ठोक दूंगा भाई एक और बार, तीसरी बार में तो हो ही जाएगा बेस्ट ऑफ थ्री। और ये यहाँ से भाग लिया भाई, और ग्रैनी देखो नाइटमेयर मोड में कितनी भयानक लग रही है। हो तो गाइस हमने स्केप कर लिया। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर ग्रैनी के न्यू वीडियो में, और इस बार हमने नाइटमेयर नाम के बॉक्स को चेक कर दिया है, मतलब उस पर टिक मार्क आ गया। और ये देखो ब्लडी ब्लडी सा इफेक्ट आ चुका है, बीजीएम बदल चुका है, ग्रैनी खतरनाक हो चुकी है, और पूरे घर में ब्लड, और यहाँ से निकलना मुश्किल। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और देखो मुझे कार बैटरी मिली है यहाँ पे, ग्रैनी का आवाज़ तो नहीं आ रहा, पर वो होगी भाई यहाँ पे आगे भाई पीछे आ गई ग्रैनी। चलो भागो। ओ भाई साहब क्या था बे वो, मेरा पैर ऐसा हो गया झटक गया था कि ग्रैनी पड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब वो भाई खतरनाक हो चुका है म्यूज़िक। चलो नीचे चलते हैं एक बार फिर, और हमें यहाँ से निकलना है तो पहले कार की बैटरी भी लगा देते हैं भाई। तो कार का स्किप करने का मैं सोच रहा हूँ फिर से एक बार, क्योंकि ये स्किप पिछली बार अधूरा रह गया था, मुझे फिर से करना पड़ा था। ग्रैनी आएगी, आ गई भाई, देखो कितनी अजीब दिख रही है भाई वो, और बहुत ही ज़्यादा चालाक भी हो चुकी है साली ग्रैनी। तो तू मुझे छुपा के ही मानेगी, मतलब यहाँ पे छुपना ही पड़ेगा भाई, कोई चारा नहीं है। और यहाँ पे चलते भाई, ओके देखो क्या ब्लडी ब्लडी हो गया गाइस, ये मॉन्स्टरस मोड है भाई, मुझे तो डर लगने लग गया इस मोड से, पर जान लो पहले हम चल के देख भी तो ले सारी चीज़ें। ओके मैंने ये गिरा दिया, वो आएगी ज़रूर यहाँ पे, इससे अच्छा मैं अंदर चला जाओ और देखो कुछ और चीज़ें। यहाँ पे चूहे हुए भी पड़े हुए हैं। तो गाइस आपको मोड कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। तो नाइटमेयर मोड लगा दिया है भाई ने, तो इस बार तो लाइक कर ही दीजिए। गेम का इफेक्ट थोड़ा बदल चुका है और गेम और बेहतर लग रही है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी के लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है गाइस, तो सिंपल सी बात है मैं कार के पार्ट्स ढूंढने वाला हूँ सबसे पहले तो, और हमें सारी पजल्स पता है कि कैसे वर्क करते हैं। तो आगे क्या है यहाँ पे यार, तो जान दो वो यहाँ पे नहीं है अभी गाइस। तो मेरे पास एक ही चारा है मस्त, मैं फिर इसके अंदर देख लेता हूँ, इसके अंदर कोई की भी होंगी तो, क्योंकि की तो नहीं है इसके अंदर। तो मुझे शॉटगन पार्ट्स भी ढूंढने पड़ेंगे इस हिसाब से। मुझे एक काम करता हूँ, ग्रैनी को यहाँ पे बुलाता हूँ, ग्रैनी जब तक यहाँ पे आएगी। ओके अब हम जाएंगे ऊपर, वो सीक्रेट रूम में देखेंगे कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं या नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होती है पर हमेशा हर बार नहीं मिलती है गाइस। स्पार्क प्लग, ओके कार स्किप के लिए बहुत ही अच्छा पहलू। पानी से पहले मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, अरे भाई फंस गया। ओके ये देखो ये ट्रैप से यहाँ पे पड़े हुए यार, अजीब से ट्रैप से। ओके वो आ चुकी है ग्रैन, ये चलते हैं यहाँ से जल्दी से, और मैं जाऊँगा इसको लेके नीचे। तो मुझे पाना भी चाहिए भाई, पाना चाहिए, शटर की चाहिए, कार की चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इस गेम में जो हमें चाहिए पर हम उसे लेकर ही रहेंगे। कि ये कहाँ पे लगता है भाई, लग गया। चलो पेट्रोल का डिब्बा भी हमारे पास ही है, तो मुझे चाहिए अब इसे गिरा, गिर गया। चलो वो ग्रैनी इधर आएगी, अब मैं जाऊँगा ऊपर। गाइस अभी भी मैं उससे आँख नीचे खेल रहा हूँ, मतलब बहुत ही संभाल के खेलना पड़ रहा है, कैंडल वेंडल ना गिर जाए बस। यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ पे भाई क्या गेम लग रहा है बताओ ना, ये पूरा ब्लडी ब्लडी हो चुका है। यहाँ पे भी कुछ होता है क्योंकि यहाँ पे रिमोट वहाँ पड़ा हुआ है, कुछ इसको भी के लिए दाना लाना पड़ेगा। पर ठीक है
एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ से निकलने का, ऊपर ना हो बस। ओके ऊपर नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब हमें देखना है यहाँ पे सिलेंडर के पास क्या है। ये यहाँ पे फिल क्रैंक है, शॉटगन का पार्ट ले लेते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके इसे यहाँ पे गिरा दिया है मैंने, अब वो यहाँ पे आएगी तब तक मैं दूसरी जगहों पे चला जाऊँगा और किचन में से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, शॉटगन का पार्ट या कुछ और, तो मुझे वो भी ढूंढना पड़ेगा गाइस। तो हम बहुत ही सीरियसली गेम खेलेंगे इस बार, मतलब मैं हर बार इस सीरियसली गेम खेलता हूँ, कोई ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं, क्योंकि हम हैं छुपे हुए क्राइम के घर में भाई, और ये बंदा मैं ही हूँ, ऐसा समझ के खेलना पड़ता है गेम। तो पता चलेगा कि क्रैनी को कैसे मारे पूरी जगह पे। ये क्या है, वे घंटी के तार है, क्रैनी का फोटो, ताकि मैं एक और बार क्रैनी को एक लाइफ मिला सके। मुझे एक लाइफ के लिए ये फोटो भी ज़रूरी है। ओके यहाँ पे इंजन पार्ट्स, यस भाई बहुत ही अलग लग रहा है यार गेम, ये पार्ट मेरे काम का ही है। ग्रैनी ना आ जाए बस, सबसे आखिरी में करूँगा। ओके शॉटगन पार्ट मिल चुका है हमें, फोटो है, ग्रैनी को मैंने अच्छे से पसार रखा है, स्पाइडर की है यहाँ पे, ठीक है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस, हम बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं। बस अब हमें एक काम करना है, हमें इसे पार्ट को अंदर लेके जाना है। ओह शिट, ओके पीछे लग गई है, फ्री सब पेंटिंग नहीं लूँगा मैं अभी भी। अब मैं लूँगा सबसे पहले शॉटगन का पार्ट, शॉटगन का पार्ट आप ही चल दिया जाए। चलो शिट शिट, ओके वो नहीं है यहाँ पे। ओके उसने देख लिया गाइस, क्रैनी ने देख लिया। चलो भागो यहाँ से पहले, मैं ज़्यादा फास्ट हूँ उससे, मुझे पता है कहाँ से जाना है। शॉटगन लगाते हैं और क्रैनी को उड़ा देते, फिर देखेंगे बाकी अब क्या होगा। तो मेरे पास और शॉटगन, ओके उसने आवाज़ कर दिया होगा, उसके ट्रैश भी अब अजीब से होते जा रहे हैं। ओके आ रही है ग्रैनी, आ रही है भाई, आ रही है आ रही है आ रही है, गई 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 भाई। चलो इसको ले लो, ओके मैंने ग्रैनी को उड़ा दिया है, पर मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी से वो पेच कर चलाना पड़ेगा, इसमें भी गोलियाँ भरती रहनी पड़ेगी, तो हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे भाई। तो हमने चुना है कार स्केप है ना, तो कार स्केप तो भारी स्केप है भाई, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा दम लगता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है इतना चलता ही भाई। ओके पेचकश नीचे गिर गए, जल्दी से जाता हूँ और इसमें गोली भर लेता हूँ, जिससे मेरे काम आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा गन, और इसे यहाँ पे फेंकना पड़ेगा कि मुझे काम आती रहेगी। इस पेंटिंग पीस को भी नीचे ही लेके चलते हैं, और ये देखो आ गया मेरे काम पेचकश, जल्दी से पेचकश से वो खोल के देखते हैं इसके अंदर कौन सी की है, अगर उसमें कार की निकली तो भी अच्छा है, वेपन की निकली तो भी अच्छा है, और सेफ की निकली तो और भी अच्छा। तो ओके इसमें पैडलॉक की है, तो मतलब ये हमारे किसी काम की नहीं अभी के लिए, मुझे गाइस इसे नीचे लेके जाना पड़ेगा पेचकश को। तो इस हिसाब से ये पेचकच हमारे अभी किसी काम का नहीं है, पर मेरे लिए ये जाएगा सीवर मॉन्स्टर के पास। सीवर मॉन्स्टर के पास इस पेचकच का बहुत ही ज़्यादा काम होता है, क्योंकि वहीं से हमें दूसरा स्केप का भी प्लान मिलेगा। ओके मुझे एक और ये मिला था ना, ये भी लेके चलते हैं नीचे, ठीक है। ओके
क्रैन ही यहाँ पे नहीं है तो ये तो बहुत ही बड़ी औकात होगी, बाकी का बाद में देखेंगे। ओके पेंटिंग पीस ये लगा देते हैं ताकि लाइट बढ़ जाए, तो बाकी है बस। पर हमारे पास एक स्टार लाइट, ठीक है। अब मेरे पास इसके भी तीनों पार्ट्स हो चुके हैं, जैसे कि इंजन पार्ट। अब मुझे इसके लिए रेंच और कार की और एक शटर की चाहिए, मतलब तीन पार्ट्स रह गए बस। तीन पार्ट्स के बाद हमारा ये काम इजी पीजी हो जाएगा। ऐसे अभी तक मैं स्लेंडरिना के रूम में नहीं गया हूँ, पर मेरे पास एक मस्त आइडिया है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। ओके यहाँ पे एक पेंटिंग पार्ट है, ओके वो जाग चुके हैं भाई, जाग चुके हैं, जाग चुके हैं, जाग चुके हैं। और ये गोली मारते ही वो सो गई है भाई, सो गई है। ओके इसे यहाँ पे फेंक देना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे भी एक पेंटिंग पार्ट है, मतलब हमारे बहुत ही काम की चीज़ आ गई भाई, हमारी लाइफ बढ़ जाएगी इससे। फेंको नीचे, इसे भी चालू कर दो। अब हमें सीवर मॉन्स्टर के पास जाना पड़ेगा शायद से, कि ये भी सड़ा हुआ ट्रैप। एक रैनी को बता देते कि हम कहाँ पे जाने वाले। अभी तक तो यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा भी नहीं और कुछ भी नहीं। चलो जल्दी से वो चीज़ें लाता हूँ जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि वो किताब, उस जादू की किताब से लेके बाकी के राज। अरे भाई पेचकश कहाँ पे चला गया, ये मत बोल देना कि यही पेचकश है भाई। अब ये से कैसे उठाओगे, ये तो साला पंगा हो गया गाइस, पेचकश यहाँ पे फंस चुका है। ठीक है कल का कल देखा जाएगा, जो चीज़ें उन्हें भी तो उठा ही लेना चाहिए, जो चीज़ें हाथ में नहीं उन्हें रहने देंगे। कार स्केप का चांस होगा तो कार स्केप करेंगे, नहीं तो दूसरा कोई स्केप। मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ से स्केप करना है बस। ये है मेरी आखिरी, मतलब इस गेम वाली इच्छा है भाई, इसको कम्प्लीट करना है और यहाँ से निकल लेना। चल तू भी, ये भी यहाँ से निकलेगी ना, ये चा भी देंगी तब तक हमें। एक कटिंग प्लायर्स मिल चुका है, ओके इतनी डरावनी आवाज़। ठीक है मैं एक काम करूँ, नीचे जाके थोड़ा कटिंग वटिंग कर देता हूँ उस बात। पर स्केप कंप्लीट ना हुआ तो वही सही, ठीक है। तो वायर तो कट ही चुके हैं, अब बाकी क्या आए हुए। एक ग्रैनी अब तक यहाँ पे नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया बात। ओके तो अब क्या करोगे, स्पाइडर की के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और ये पेचकस सारा मेरा यहाँ पे फंस चुका है, पेचकस के बिना हम बहुत सारी चीज़ें कर नहीं खोल सकते हैं। इसे कैसे खोलो यही सोच रहा हूँ मैं अभी। कि मैं चाहता रहूँ अंदर पर ग्रैनी ना आ जाए मेरे सामने बस। तो चूहा भी घूम रहा है भाई यहाँ से, चूहे की आत्मा ही लगता है साली। चलो मुझे व्हील क्रैंक भी लाना है जिससे कि हम नीचे जा पाएंगे। चलो मुझे उसे लाने के लिए नीचे से जाना पड़ेगा, तो व्हील क्रैंक ले आता हूँ पहले। ग्रैनी भी जाग चुकी है, ओके ग्रैनी तू जगी रहे भाई, मैं देख लूँगा आगे का क्या है, तू टेंशन ना ले उसका। ऊपर वो चीज़ जो हमें चाहिए, ये
ये देखो यहाँ पे होगी वो, मिल गया भाई। चलो अब इसको लेके जाना पड़ेगा हमें नीचे, तो उसके बाद देख लेंगे क्या है। ओके यहाँ पे ग्रैनी आ जाएगी और हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा इसका सबसे ज़्यादा काम है, मतलब कि अंडरग्राउंड में। यार जब भी इसके करने की कोशिश करता तब कुछ ना कुछ हो ही जाता है इस गेम के साथ। देखो पेचकच भी वही छुप गया, कैसे निकालू वो भी सोचा था, नहीं जा रहा मुझसे। सलाह क्या लीजिए भैया, और इनके बिना भी कुछ नहीं हो सकता, ये भी बहुत ही काम की चीज़ें। तो नीचे जाना पड़ेगा अब के आगे नीचे, और अब देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। पहले तो मैं इस ग्रैनी को बाहर फेंकूँगा, जिससे कि हमारा थोड़ा गेट ईजी हो जाए भाई। ठीक है नीचे अब मुझे जाना पड़ेगा व्हील क्रैंक लेके। देखो व्हील क्रैंक जैसे पेचकस का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम था, क्योंकि वही से हमें कीज मिलती है यार। ओके ये देखो, इससे ज़्यादा डरना नहीं है, बस धीरे धीरे अपने काम करते जाओ, अपने आप ही काम होती जाएगी। तो हमने गेट खोल दिया है, ये आ चुका है यहाँ पे, नथिंग एम्प्टी। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चल के यहाँ पे भी देख लेते कुछ को, कुछ भी नहीं एम्प्टी। के बचिए यहाँ पे चलते हैं, अभी यहाँ पे भी देख लेते कुछ ना कुछ, यहाँ पे तो मिलता ही है भाई। नहीं है कुछ भी, कुछ नीचे पड़ा हुआ नहीं है। ठीक है गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पेचकश के बिना थोड़ा सा मुझे गेम अधूरा ही लगेगा। मेला मिल गया, चलो वेल लाइक यू सी मेला, टेक अ टेक अ लेमन। अरे भाई कहाँ से जाना है, मैं बच गया उससे, एनकाउंटर नहीं हुआ मेरा अभी तक, पर इसके अंदर भी कोई की मिल जाएंगे हमें। चलो इसे फेंक दो, कि मैंने लिफ्ट के डोर का मुझे कुछ पता नहीं होता कौन सा दरवाज़ा खोलना है लिफ्ट से। ओके आ चुके हैं हम यहाँ पे, पहले इधर चलते हैं ना। ये देखो यहाँ पे पेचकस का बहुत ज़्यादा काम होता है, ये देखो ये मॉन्स्टर यहाँ पे भाई, इसकी तो शक्ल और सूरत ही बदल गई है। जान दो इधर चलते हैं, इधर की साइड आ जा भाई तू, मुझे भी तुझसे बहुत ज़्यादा काम है पर क्या ही करे। अरे भाई साहब पीछे आ रहा है क्या। ओके ये रोटी लेके जानी पड़ेगी इसे। चलो यहाँ पे इसे भागना कुछ मुश्किल नहीं है यार, बहुत बार गेम खेलने वजह से अब मुझे इससे डर नहीं लगता। चलो ऊपर, अब मेरी एक फैसली घड़ी आ चुकी है भाई, वन खेलो या टू, क्योंकि अगर कोई भी गलत खुला तो मैं गया। ये अच्छा ही खुल गया, अरे काम की चीज़ मिल गई यार मुझे। अब नीचे चलते हैं, बाकी का बाकी देखेंगे। ठीक है मैंने मेलन कहाँ पे रख दिया, मैंने मेलन तो लाया ना, ये सारे आप मेलन है। अब चलते हैं जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे, और यहाँ से मुझे बाकी पार्ट्स भी मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से।
जैसे वेपन की ना होने की वजह से मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वेपन की से स्पाइडर को हराया जा सकता है, स्पाइडर पेट को। पर देखते हैं, जो स्केप होगा वही स्केप कर सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता मैं। ओ मिल गया, हथौड़ा मिल गया, चलो ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करने का इसको। तो मेलन को भी लेके आते हैं ना, फिर मेलन का भी तो कुछ ना कुछ पता चले क्या है उसमें, की है क्या है, देखते हैं मेलन के साथ भी क्या है भाई। फिर इसे फेंकूंगा तो वो आ जाएंगे पीछे। ठीक है चलो, इसे नीचे फेंक के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा उसे लेने के लिए। ऐसा हर बार होता है यार मेरे साथ। ठीक है मेलन को काटो, ले हाउस की बहुत बड़ा ढक्कन बन गया हूँ मैं। ओके अभी आ जाएंगी, तब तक मैं हथौड़ा लेके चला जाऊँगा। हथौड़ा लेके जाना ही पड़ेगा भाई, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ले हाउस की मिल जाए ना मुझे ये, फिर भी तिजोरी नहीं खुलेगी भाई। तिजोरी नहीं खुलेगी तो कार के पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम ही है साली। पर जाने दो, मेरे पास मस्त एक प्लान है, उसे फॉलो करते सारे पजल्स सॉल्व करने की कोशिश करते, नहीं तो फिर हमारा मेन डोर स्केप तो ही पेचकच की वजह से सब कुछ हो गया यार। अभी इन्हें भी खुलना पड़ेगा। बर्ड सीड्स बहुत ही बढ़िया, ग्रैनी को आ जाना चाहिए अभी मेरे हिसाब से। ग्रैनी अभी यहाँ पे आ जाएंगी तो मेरा भी काम थोड़ा इजी पीजी हो जाएगा। चलो ये जाते हम बर्ड से वो छीन लेंगे। ओके चली जा बस यहाँ से। ये बच गया, चलो स्पॉट को खिला देते। आएगी क्या, अगर यहाँ पे आएंगी तो मेरा टेंशन और बढ़ जाएगा। ओके अभी तक तो वो नहीं आई है, तो जल्दी से जाके देखते हैं उसमें क्या है। उस वाले रूम में कुछ ना कुछ होता ही है, काम का मिल जाएगा तो वो रूम मजा आएगा। इसमें छेद कटर है, मतलब कुछ काम का नहीं है। पेंटिंग पीसेस भी लगा देता हूँ, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। पेंटिंग पीसेस भी एक लाइफ एक्स्ट्रा हो जाएंगी तो मज़ा ही आ जाएगा। ओके बोनस डे मिल गया, चलो अब लेते हैं अपना हथौड़ा। काम फेंक दिया मैंने, ओह हथौड़ा तो ऊपर ही रह गया यार, कोई बात नहीं अभी जाता हूँ। ग्रैनी को उड़ाना पड़ेगा पहले। कैसे बताएं यार, एक डे हो गया अपना काम का, कोई बात नहीं फिर से एक बार करना पड़ेगा। डे टू ही है अभी भी, वैसे गेम प्ले बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं यार ग्रैनी के। मैं अब वेल डिटेल्ड गेम पे डालना चाहता हूँ भाई, जो लोग खेल रहे हैं उनको भी पता चले कैसे खेलना है गेम को। तो यहाँ पे से जाना पड़ेगा मुझे,
जैसे मैं अनवांटेड पार्ट्स कट कर दूंगा अगर पसंद ना है तो। शॉटगन है ना फिर भी अभी। चलो अब एक बार उसको खत्म कर ही देता हूँ। कहाँ पे ग्रेनी? एक बार मेरे सामने आ जा बस। चूहा है वो, क्या गैस छोड़ रहा है भाई? वो आगे आगे भाई आगे, ग्रैनी आगे सामने। इधर हूँ ग्रैनी में है। चल हट साली, बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करती है मेरे साथ। टाइम पास ना करी अगर। चलो ये तो गई, अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर जाता हूँ और अपना प्लान जो था उसे ही करेंगे ना भाई। मेरे को चाहिए अपना हथौड़ा, और हथौड़ा लेके जाएंगे सिलेंडर ना गिर, सिलेंडर ना गिर में तो जाना ही पड़ेगा। एक प्लान की उठा रहा हूँ मैं, मुझे हथौड़ा चाहिए। हथौड़ा लेके जाएंगे और जल्दी से आएंगे, बस 2 मिनट। यहाँ पे कुछ और मिल जाएगा हमें, एक कॉक व्हील, ठीक है। बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। इसे नीचे फेंको, लेके चलते कटर को, वहाँ पे और चीज़ें भी हो सकती हैं हमारे काम की जो हमें ना मिली हो अभी तक। ये सेफ की इसे फेंको, निकालो इसे। चल हट, ये गेट भी निकल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते नीचे। अरे भाई ये भी अब बीच में आने लगे, तो इन्हें भी छोड़ दो पीछे गाइस। और मेरा वो कहाँ पे यही है। चलो यहाँ से इस तिजोरी को खोलो, यहाँ पे कुछ और मिल जाएगा। कार की प्लान ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन कार की, आगे कार की कॉक व्हील को लेके चलते हैं। वहाँ पे भी हमें जो और मिल जाएगा, जैसे कि वहाँ पे हमें एक पाना चाहिए भाई, पाना नहीं मिला। ये तो बहुत बड़ी बकवास हो गई हमारे साथ। पाना शायद से उसी स्क्रू वाले डब्बे में बंद है नीचे, और मुझे वो मिला नहीं अभी तक। इसे कैसे निकालू यही सोच रहा हूँ मैं अभी। चलो इसे तो लगा ही देता हूँ, काम का मिल ही जाए। दूसरा भी ले आता हूँ, वेपन की मिल गई। चलो ये थोड़ा बेहतर हो गया भाई, वेपन की के साथ भी मैं बहुत ही बढ़िया कर सकता हूँ। जैसे कार की मैंने कहाँ पे देख दिए याद नहीं आ रहा यार। नीचे होंगी वो, मास्टर की। वेपन की से अब मैं ऊपर के मास्टर को कैद कर सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया। इसे आ जाएंगे, इसे वो डोर की है वैसे वो मेरे पास, डोर का इसके मैं कभी भी कर सकता हूँ अगर मुझे वेपन ना मिले तो। इसे पर शूट करना पड़ेगा मुझे। कहाँ पे आगे? चलो पैडलॉक के भी फंसी हुई अपनी,
इसका भी कुछ देखना ही पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे फंस गया साला, इसे कैसे निकालो ये नहीं सोचा जा रहा मुझसे। स्क्रू ड्राइवर मिल गया, चलो ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे लिए, मैंने स्क्रू ड्राइवर निकाल ही दिया है। चलो इसको लेके जाता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे क्या मिलता है। अगर पाना मिल गया तो बस हमारा काम हो जाएगा, हमारे पास सारी चीज़ें। जैसे पाने के वजह भी हमें ये भी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, अपना कैटलॉग की यहाँ से जाना पड़ेगा। बाकी आ चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन। देखा मैंने कहा था इसके नीचे ही पेट लॉक की होता है हमेशा। इससे दूर हो आ जाएंगे इधर से, उधर से आने के बाद मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। वो देखो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बस चलो झलक मचा ले। तो यहाँ का काम तो हो चुका है, अब हमारे पास सभी चीज़ें आ चुकी है। कार इसके थी सिवा एक के, और वो है, वो चीज़ क्या है बताएं, वो चीज़ है खोल ही दो ना, खुलता कैसे वे देख लिया। कोई टेंशन की बात नहीं, अब मुझे सिर्फ दो तीन चीज़ें ही चाहिए बस, मुझे वेपन लेके ऊपर जाना पड़ेगा बस। चलो मैंने इसको भी खोल ही दिया है, मुझे यार स्पाइडर की लेके चले जाते हैं। तो इसको भी चल नहीं था, क्लच मारना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा भाई। ओह शिट, इसमें गोलियां नहीं है, इसमें तो गोलियां ही नहीं भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। ये रही, चलो इसमें गोली रखो भाई, कुछ गोली रखना चाहिए इसमें। हो गया काम अपना, रहनी पड़ी रही है ये लेके चलना जाता हूँ मैं। और पर उसे खोलने के बाद जिस वेपन चाहिए, मैं जल्दी से वेपन ले आता हूँ भाई। पास वेपन आ चुका है गाइस, और मैंने ले आया हूँ इसे। बस मुझे वो बटन दबा के इसे एक बार इसके अंदर के गया काम से। एक और लाना पड़ेगा ट्रैंकलाइजर, ओके यहाँ से देखते हैं। ये बंद हो चुका है, चलो अच्छी बात है, दूसरे ट्रैंकलाइजर से हो ही गया। और यार देखो मुझे पाना मिल गया, चलो पाना है तो मतलब हमारे पास अभी सारी चीज़ें हैं कार स्किप के लिए। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो सभी चीज़ें आने के बाद हम जाने वाले हैं नीचे। रानी आ चुकी है पीछे, इसको भी छुटकारा पाना पड़ेगा भाई, इसको सुलाना पड़ेगा कुछ देर के लिए। क्या गई, चलो तू सो जा थोड़ी देर के लिए। वैसे गाइस मैंने डोर स्केप का भी पूरा ही प्लान कर ही लिया था, और बहुत ही बढ़िया हो गया कि हमारे पास अब सभी चीज़ें। मैं अभी इन्हें खोल के लगा दूंगा बस। ये देखो इस पानी को फिट करता हूँ यहाँ पे, इसको यही पे रख दो,
फ्यूल ला दो, फ्यूल यहीं पे पड़ा हुआ है मेरा फ्यूल, देखो फ्यूल ही पड़ा हुआ ये रहा। अगर इसे भी लगा देता हूँ, कहाँ पे डालना पड़े यहाँ पे, चलो फ्यूल भी लग जाएगा। तो फ्यूल भरने तक आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं गाइस। ठीक है भर गया, चलो मस्त। कार की उठाई, डिक्की बंद करी, स्टिक को बंद किया, इसके अंदर बैठना पड़ेगा ना। किराने का ये चालू करके देखता हूँ ना भाई, तो आ रहा है कैसे। यस चलो स्टार्ट किया, रिवर्स किया गाड़ी को, और मैं ठोकने वाला हूँ इस गाड़ी को। ये देखो एक रिवर्स किया, ठोक दूंगा भाई एक और बार ना, तीसरी बार में तो हो ही जाएगा बेस्ट ऑफ थ्री। और ये यहाँ से भाग लिया भाई, और ग्रैनी देखो नाइटमेयर मोड में कितनी भयानक लग रही है। हो तो गाइस हमने स्केप कर लिया है, तो अगर आपको स्केप पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है और हम डेली वीडियोस डालते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।